मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद सिर्जन क्लास से है ना। हम आप लोग को पढ़ा रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता, जिसमें वो पोयम खत्म हो चुका है और उसमें आपको हम PDF टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग उसमें हम होमवर्क देंगे, जिसमें आपका पढ़ाया हुआ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, कुछ नए ऑब्जेक्टिव रहेगा है ना। आपको उसमें फिर हम एक्सप्लेन भी देंगे होमवर्क में, इसलिए इतना सारे चीज़ को देंगे कि ताकि हम ये समझना चाहते हैं कि आप कितने बेहतरीन तरीका से समझें कि अगर और किसी तरह से प्रश्न आता है, एक्सप्लेन आता है, तो आपसे सोल्व होता है कि नहीं। जबकि सब पढ़ाया उसी में से देंगे है ना। वो उसका यानी पोयम का भी होमवर्क मिलेगा टेलीग्राम के माध्यम से। और आज भी आपका बुक है, फिर अगला दिन से हम पढ़ाएंगे ग्रामर जो चल रहा है टाइम मेंटेन्स। और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमसे जुड़े हुए, हमारे चैनल से जुड़े हुए, मेरे संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो कड़ी मेहनत कीजिए है ना, ईमानदारी के साथ जिस जैसे सिर्फ करते हैं वैसे फॉलो करना है ना। एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इतना बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा कि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी है ना। सिर्फ यहाँ जो हम लोग का उद्देश्य है, हमारा संस्थान का उद्देश्य है ना, हम लोग का उद्देश्य है कि लोगों को जो मेरा विद्यार्थी है उसको सही गाइडलाइन करना। मेरा मोटो है कि जो हम पढ़ाते हैं उसको 100% विद्यार्थी है जो सीखे, फॉलो करे है ना, ताकि वो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये हम लोग का उद्देश्य है कि जितना हम पढ़ाते हैं उतना सभी विद्यार्थी उसको सीखे है ना, उससे उसके अनुसार वो पढ़े। इसीलिए जैसे बतलाते हैं वैसे सिर्फ फॉलो करना है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है, ये गारंटी है मेरा। सिर्फ फॉलो करना है, मेहनत करना है, हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है ना, तब ना हम लोग को भी पढ़ाने में मन लगेगा। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट है जो हमारा क्या है, हिम्मत है। आपका कमेंट से हम लोग को एक एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है कि हमें और मेहनत से, लगन से और इसमें काम करना है। इसलिए कमेंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को बतलाना है ना, सभी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो व्यक्ति अभी तक वंचित है पढ़ने से वो पढ़ सके। और हमारा यह संस्थान का उद्देश्य है आपको सिखाना है ना, आपको हर हाल में अंग्रेजी को सिखाना है, और उसमें इस तरह से सिखाना है कि आपको भविष्य में भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि आप मेरे बारे में भली भांति जानते हैं कि सर का क्या मोटे है, क्या उद्देश्य है ना, ये नहीं कि वो सिर्फ डिंग डोंग किया काम हो गया, ये सब में विश्वास नहीं करते हैं हम लोग, मेहनत में विश्वास करते हैं। और लोगों की पहचान कर्म से होता है, उसका काम से होता है। इसलिए सिर्फ जैसे कहते हैं वैसे सिर्फ अध्ययन करना है, और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लगन से मेहनत करो, समय मूल्यवान चीज है, इसको इम्पोर्टेंस को समझना है। अब देखिए यहाँ हम आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना क्लास में भी बताया थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे आप धैर्य रखिए। जो पढ़े हुए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वो फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका और ही फायदा करेगा, नुकसान करने वाला नहीं है। बहुत सारे चीज इसमें और हम नए तरीका से भी बता देंगे, इसलिए इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। क्योंकि हम चैप्टर छोड़ देंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन से बहुत दूर दूर के जुड़े हुए हैं है ना, उसको परेशानी हो जाएगा, और परेशानी हो जाएगा तो वो लगेगा कि देखिए सर अपना विद्यार्थी को पहले पढ़ा दिए थे, इसलिए वो चैप्टर को छोड़ दीजिए है ना। इसलिए हम लोग को एक साथ सभी को लेकर चलना है, और हमारा मानवता ये भी कहता है कि एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना। इसलिए जो पढ़ाए हुए हैं ये सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ पढ़े हुए भी विद्यार्थी हैं, उसको फिर से गौर करना है, फॉलो करना है। तो हमारा दूसरा चैप्टर है ना, 100 नंबर पोएट्री का दूसरा हमारा पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत, स्वयं का गीत, स्वयं का गीत, या खुद का गीत, स्वयं का गीत या खुद का गीत, बाई
वॉल्ट व्हिटमैन कवि का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। बाय का मतलब के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कवि का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। यहां देख लीजिए मीनिंग, समझना अरे बाबू, परहैप्स शायद, परहैप्स शायद लिटररी फिगर साहित्यकार लिटररी फिगर साहित्यकार। सीखना है रे बाबू, प्रोड्यूस्ड प्रस्तुत प्रोड्यूस्ड प्रस्तुत कारपेंटर बढ़ाई। इसको नोट कीजिए, चलिए देखिए यहां ध्यान देना है। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्तिगत इवर सदा हमेशा। चलो देखो यार, प्रिंटर छापने वाला प्रिंटर छापने वाला एडिटर संपादक, यथासंभव आपको मीनिंग भी याद रखना है, जितना आपको संभव हो सके मीनिंग जरूर याद रखिएगा, ताकि आप जब हम इसका पढ़ाएंगे एक्सप्लेन करेंगे जब ये पोयम को पढ़ाएंगे, ताकि आप आसानी से उसको समझ सके। इसलिए यथासंभव मीनिंग याद रखना, अभी यथासंभव मैंने इनके दुए को याद करना, तीन को याद करना, जितना मतलब जिस लेवल पर आप हैं 12 लाइक उस लाइक मीनिंग याद रखिए। अब देखो यहाँ एडिटर संपादक वॉलेंटियर आप लोग के गांव में या कोई कार्यक्रम करते हैं तो कहता है कि किधर गया है वॉलेंटियर, सब कोई बोलता है, तो वॉलेंटियर का मतलब होता है समाज में सेवा करने वाला व्यक्ति को कहते हैं वॉलेंटियर। लेकिन हम लोग यहाँ उल्टा काम करते हैं, वॉलेंटियर को देखे होंगे कि कोई फंक्शन में उसको वो डंडा दे देता है ना, आऊ है जो अपना जैसे हाथ में डंडा जाता है तो रोब दिखाने लगता है, और बेकसूरू व्यक्ति को 2 डंडा दे दिया, वो मतलब वो समझता है कि हम बहुत पावर में आ गए, लेकिन उसका वो अर्थ नहीं है। वॉलेंटियर का मतलब समाज सेवी, हम लोग समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उसको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे कोऑपरेट करना, मदद करना, उसे कहते हैं वॉलेंटियर। इन्हें कि बिना मतलब के निर्दोष व्यक्ति पर डंडा चला देना। अब देखो यहां समाज सेवी समझना है, नर्स मतलब सेवा या सेवा करना नर्स सेवा या सेवा करना।
सिविल वार गृह युद्ध, सिविल वार गृह युद्ध, गृह युद्ध, सिविल वार गृह युद्ध, ध्यान देना है, सिविल वार गृह युद्ध, रिदम 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 का मतलब होता है बाबू लय, जकरा कहें ताल, लय ताल, इसको नोट कीजिए। चलो देखो यहां पब्लिश, प्रकाशित करना, पब्लिश प्रकाशित करना, लाइट, लाइट का मतलब है प्रकाशित करना या लाइटेड, लाइट का मतलब प्रकाशित करना, देखो यहां लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ रेन, कविता की कमी, कविता की कमी, लैक ऑफ रेन, कविता की कमी, ऑन अपना, ऑन अपना, एक्सपेंस एक्सपेंस, मूल्य एक्सपेंस, मूल्य, खर्च एक्सपेंस, मूल्य, खर्च, जॉयफुल जॉयफुल, आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, खुशी पूर्वक, खुशी। चले देखे यहां डेडिकेशन, डेडिकेशन डेडिकेशन, निष्ठा निष्ठा, समर्पण निष्ठा, समर्पण, नोट कीजिए इसको। चलो देखो यहां इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस महत्व, एडवांटेज महत्व, सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, समाज सुधारक, समाज सुधारक, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, व्यक्तिगत व्यक्तिगत, किसी एक, किसी एक व्यक्ति के विशेष रूप से, किसी एक व्यक्ति के विशेष रूप से, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जिसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पोयम्स, कविताओं का संग्रह या
पद का संग्रह, कविताओं का संग्रह, संग्रह रिसीव 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 प्राप्त करना, रिसीव प्राप्त करना, इसको नोट कर लीजिए। देखो यहां इंथुजियस्टिकली इंथुजियस्टिकली उत्साह से, इंथुजियस्टिकली का मतलब उत्साह से, उत्साह पूर्वक जोश से, इंथुजियस्टिकली का मतलब उत्साह से, उत्साह पूर्वक या जोश से। ध्यान देना है पहले, फाइनली पूर्ण रूप से, फाइनली पूर्ण रूप से जॉब का मतलब हो गया यहां पर काम, जॉब। एडिशन संस्करण बिलिंग इच्छुक या इच्छा बिलिंग, समझना पहले, इच्छुक या इच्छा। वर्क्स वर्क्स का मतलब रचना, वर्क्स का मीन्स रचना, इसको नोट कीजिए। देखो यहां पब्लिशर प्रकाशक या प्रचार करने वाला। अप्रिशिएट प्रशंसा करना, अप्रिशिएट प्रशंसा करना। कलेक्शन संग्रह प्रशंसा करना, कलेक्शन संग्रह। एप्रिसिएशन प्रशंसा, प्रशंसा। डिस्कस विचार विमर्श करना डिस्कस,
समझना पहले बाबू, इंक्लूड इंक्लूड जोड़ना, इंक्लूड जोड़ना, इसको नोट कीजिए। इंक्लूड अभी लिखाए थे, वहीं पर लिख लीजिए। उसका मतलब जोड़ना भी होता है, या शामिल करना, या सम्मिलित करना। इंक्लूड जोड़ना, शामिल करना, सम्मिलित करना, ओरिजिनल ओरिजिनल असली असली, इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिगत व्यक्तिगत। एक्सप्रेस संबोधित करना, संबोधित करना, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन भाव, एक्सप्रेशन भाव, एक्सप्रेशन भाव, फीलिंग अनुभव करना, फीलिंग अनुभव करना, कास्टिज्म कास्टिज्म जातिवाद, जातिवाद कास्टिज्म, लिखिए इसको। चलो देखते हैं यहां, अनसेंसर्ड अनसेंसर्ड अपरिवर्तित अपरिवर्तित अनसेंसर्ड परिवर्तित। देखो यहां डिलाइटेड डिलाइटेड मगन मस्त प्रसन्न डिलाइटेड, रिवील प्रत्यक्ष करना, मूड मनोदशा अवस्था मूड मनोदशा अवस्था, रिलेटिवली अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से
तुलनात्मक रूप से देखो यहां इनोवेटिव प्रगतिशील अभिनव इनोवेटिव ह्यूमैनिटी मानवता वेलफेयर कल्याण करना या कल्याण कल्याण करना या कल्याण वेलफेयर कास्ट जाति सेलिब्रेट मनाना सिंग गाना गाना या गाना माइसेल्फ स्वयं खुद नोट कीजिए इसको ये आपका मीनिंग लिखा दिए हैं इसमें और सब मीनिंग बाकी है इतना मीनिंग हम कवि का परिचय जो दिया हुआ हेडिंग उसमें से लिखा है बाकी आप लोगों को कल हम ग्रामर पढ़ाएंगे है ना कल अगला क्लास में आपको ग्रामर मिलेगा क्योंकि आपका 4 दिन बुक पढ़ा दिए हैं और धैर्य के साथ पढ़ना है मेहनत करना है कड़ी मेहनत करना है अब आपको टेलीग्राम के माध्यम से बुक से भी होमवर्क मिलेगा जिसको सोल्व करना है टाइम एंड टेंस का आपका हम क्लियर करा दिए थे जहाँ तक पढ़ाए तो उसका हम PDF के माध्यम से टेलीग्राम के माध्यम से होमवर्क बनवा दिए हैं कंप्लीट करा दिए हैं जैसे सिर्फ कहते हैं वैसे फॉलो करना है बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि 11 का बैच कब से शुरू होगा तो बहुत जल्द है जो स्टार्ट हो जाएगा जिसके पहले स्टार्ट करने से पहले आपको सूचना प्राप्त हो जाएगा मिल जाएगा धैर्य के साथ ईमानदारी पूर्वक है ना आपको चैलेंज जो मेरा संस्थान है चैनल है यूट्यूब उससे जुड़े हुए रहना है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी चाहे वो ग्रामर पोर्शन रहे या फिर लिटरेचर रहे है ना सिर्फ जैसे कहते वैसे फॉलो करना है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और ईमानदारी पूर्वक से पढ़िए हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को देख लीजिएगा है ना कॉपी से और जहां तक पढ़ाया था उसको भी देख लीजिएगा बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।